हेलो फ्रेंड्स, हमने जैसे अभी तक पढ़ा क्या एरिथमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर सबसे पहले टोकेंस के अंदर हमने पढ़ा तीन, ठीक लिटरल्स के बाद ऑपरेटर्स पढ़ा, ठीक जैसे कि रिजर्व कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स और फिर है चौथा ऑपरेटर। और ऑपरेटर में हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर देखा क्या होता है। अब क्या देखना है हमको कि ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। तो बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी दो क्वांटिटी या किसी भी दो चीजें की आपस में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वहां पे हमको रिलेशनल ऑपरेटर की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं दो व्यक्तियों की एज, ठीक एक की उम्र है 10, एक की उम्र है 20, ठीक। तो अब हमको मान लीजिए ये नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, रिलेशनल ऑपरेटर का, ठीक। तो रिलेशनल ऑपरेटर को हम लेस देन, ग्रेटर देन, इन सब आगे मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ठीक। तो रिलेशनल ऑपरेटर में मुख्यतः 6 प्रकार के ऑपरेटर्स यूज होते हैं, ठीक। जिसे बोलते हैं इज लेस देन आर इक्वल टू, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। अब इनका यूज कैसे होता है ये मैं बता देता हूं। तो जैसे देखिए, कोई भी हमने वैल्यू ली, जैसे 5 और 10, दो वैल्यू है हमारे पास, ठीक 5 और 10। यदि हम इसमें से जानना चाहते हैं छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो इसके लिए जैसे 5 लेस देन 10, ठीक, तो ये हमको क्या वैल्यू देगी, ट्रू, मतलब 5 छोटा है 10 से, तो ये बात सत्य है। लेकिन अगर यहीं पे 10 लेस देन 5, मतलब 10 छोटा है 5 से, तो ये बात असत्य है यानी फाल्स है। तो ये हो गई लेस देन की। दूसरी बात है लेस देन आर इक्वल टू, इज लेस देन आर इक्वल टू। जैसे दे दिया जाए 5 और 8 ले लिया जाए, तो 5 लेस देन आर इक्वल टू 8, ये भी ट्रू है। लेकिन इसमें अंतर क्या होता है, जैसे हमने 8 लेस देन 8 कर दिया तो ये फॉल्स माना जाएगा कि कम नहीं है, इक्वल है। तो अगर 8 लेस देन आर इक्वल टू 8 कर दिया तो ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल टू ऑपरेटर, दो में से ऑपरेटर कोई भी एक समय पे यदि काम कर रहा है तो वो वैल्यू ट्रू होती है। यदि 8 लेस देन आर इक्वल टू 9 कर देंगे तो ये भी सत्य होगा, लेकिन 9 लेस देन आर इक्वल टू 8 करेंगे तो ये फॉल्स होगी, ठीक। तो मतलब हमें कम वैल्यू या उसके बराबर की वैल्यू हो तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेस देन में। अब ग्रेटर देन में सेम इसका अपोजिट होता है। यदि 10 ग्रेटर देन 5 दिया है, मतलब 10 ग्रेटर देन 5 बराबर 5 होगा, ठीक, आंसर इसका 5 आएगा, ट्रू। 5 नहीं, मतलब 10 ग्रेटर देन 5 बराबर ट्रू वैल्यू। अगर 5 ग्रेटर देन 10 तो फॉल्स वैल्यू। और इसी तरह इक्वल टू में होता है, मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 10 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 तो ट्रू है, 10 ग्रेटर देन इक्वल 10 बराबर ट्रू है। यदि 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, तो दो में से कोई ऑपरेटर काम नहीं कर रहा है, मतलब फॉल्स हो जाएगी, ठीक। अब फिर इसके बाद क्या होता है, इज इक्वल टू ऑपरेटर। इज इक्वल टू ऑपरेटर का क्या मीन्स होता है कि 10 इज इक्वल टू, इसमें दो बराबर के चिन्ह होंगे, जिसे हमने पहले पढ़ा था एक बराबर का चिन्ह, इक्वल का चिन्ह एक बार लिखते हैं, ठीक, दो लाइन, लेकिन इसमें दो बार हमको लिखना पड़ेगा इक्वल टू ऑपरेटर। मतलब इज इक्वल टू यदि लगाना है तो दो बार बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं 5 इज इक्वल टू 5 यानी ट्रू। यदि 6 या 4 इज इक्वल टू 5 कर दिया, 6 इज इक्वल टू 5 तो फॉल्स, या 4 इज इक्वल टू 5 कर दिया तो भी फॉल्स, या 5 इज इक्वल टू 4 कर दिया तो भी फॉल्स, 5 इज इक्वल टू 6 कर दिया तो भी फॉल्स, ठीक। और फिर आता है नॉट इज इक्वल टू। जैसे हमने 5 नॉट इज इक्वल टू 4 तो ये ट्रू देगा, और यदि 5 नॉट इज इक्वल टू 5 तो ये फॉल्स देगा। इसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर में 6 तरह के ऑपरेटर्स यूज होते हैं, इज लेस देन, इज लेस देन आर इक्वल टू, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इक्वल इज इक्वल टू एट इज नॉट इक्वल टू।
ठीक, तो इस तरह के छह ऑपरेटर यूज होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। अब हम आगे पढ़ेंगे और भी ऑपरेटर, तब तक के लिए आप हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जिनमें हमने इसमें जावा के और बेसिक चीजें बताई हैं, टोकेंस, ऑपरेटर्स। तो तब तक के लिए बाय।